हाय गाइस, मैं छाया वाष्णे मॉम्स किचन से लेकर आई हूँ कि सफल मटर जो फ्रोजन वाली होती है उसको कैसे बनाया जाए। तो गाइस बहुत इजी है ये। मैंने 2 किलो मटर के दाने छीले हैं और साफ़ कर लिए हैं अच्छी तरीके से। इधर पानी बॉईल करने रखा है और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल ली हूँ। मैं हिमालयन सॉल्ट यूज करती हूँ केवल। ये सॉल्ट डाल दिया है मैंने। जब ये पानी मेरा अच्छे से बॉईल हो जाएगा, हो चुका है, इसमें मैं ये मटर डाल दूंगी और देखेंगे इस मटर का कलर एकदम चेंज होने लगेगा। आप सोच रहे होंगे मैंने सॉल्ट क्यों डाला है। सॉल्ट इसलिए डाला है कि इसका ग्रीन कलर बरकरार रहे। ये भी लाइट कलर की है, जब सॉल्ट वाले पानी में डली रहेंगी तो ये डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी, जैसे आपकी सफल मटर होती है। इसको बहुत थोड़ी देर के लिए रखना है, इतना कि बस ये हल्की सी दबने लगे। बस अभी ये बिल्कुल कच्ची है, थोड़ी देर में पानी में डले रखूंगी इसे। तो उसके बाद इसको ड्रेन करके न्यूज पेपर पे हल्का सा सुखा दूंगी। देख सकते हैं मटर कितने सुंदर कलर की, एकदम डार्क ग्रीन कलर की हो गई है। अब इसे हम निकाल के न्यूज पेपर पे हल्का सा ड्राई करेंगे। इस तरीके से हमने न्यूज पेपर में फैला दी है अपनी सारी मटर। इसका ठंडा होने का इंतजार करेंगे। उसके बाद हम एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको डीप फ्रीजर में डालना है। फ्रिज में नहीं रखना, डीप फ्रीजर में रखिए और 1 साल तक, जब मटर का सीजन ना हो तब तक इसका लुत्फ उठाइए। ये 1 साल तक खराब नहीं होती है। तो दोस्तों, है ना झटपट सफल मटर बनाना। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। बाय बाय।